हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ राना, वेलकम टू सब्सक्राइबर्स। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल के। रेस्टोरेंट में कढ़ाई कैसे बनाती हैं वैसे, क्योंकि अक्सर औरतें घरों में बनाती हैं, उसमें प्याज डालती हैं, जबकि रेस्टोरेंट की रेसिपी में प्याज नहीं डालता। और मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह कैसे बनाते हैं आज। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाए। और अब हम शुरू करते हैं। हमने चिकन ले लिया, ठीक हो गया, हाफ के जी 600 ग्राम है। टमाटर के बाद गार्लिक ऑयल, जिंजर, ग्रीन चिली, धनिया, योगर्ट, दही। दही के बाद ये आ गए हैं मसाले, आपको दिखाता हूँ। इसमें हल्दी, रेड चिली, काला मिर्च, सॉस, स्पाइस, गार्लिक पाउडर, ठीक हो गया, टिक्का मसाला और गर्म मसाला, स्पाइस, इन से हमने चिकन कढ़ाई बनानी है। सबसे पहले हमने कढ़ाई को लेना है। कढ़ाई को हम कढ़ाई के ऊपर रख के चिकन को ब्राउन करना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने इनकी कटिंग करता हूँ कि हमें टमाटर किस कटिंग में चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कटिंग के। सबसे पहले हम ये जिंजर की कटिंग कर देते हैं, ठीक है, ये इस स्टाइल में इसकी कटिंग कर देते हैं ऐसे। इतना अब इसको हमने इस तरह आप करेंगे, हमने इसके स्लाइस चाहिए हमें बिल्कुल ब्रेक, और इसको आपने ऐसे काट लेना है। ये जिंजर को हमने डाल लिया इधर, ये हमें बाद में चाहिए होगा, ठीक हो गया। अब हमने जो हमारी सब्ज मिर्च है ग्रीन चिली, इसको सब मिर्च को हमने अपने मसालों में हमने इसमें रख लिया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर कटिंग करनी है टमाटर की। टमाटर की कटिंग के लिए हमने टमाटर को सेंटर में से ऐसे कर लेना है, ठीक हो गया। ऐसे करने के बाद फिर आपने इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग हमारी इसी तरह हमने ये भी सीखने का टमाटर ऐसे। उसके बाद ये जो होते हैं ना चिकन कढ़ाई की कटिंग ऐसे ही होती है, ठीक है, आपने इसी तरह ही करनी है कढ़ाई की कटिंग जो है ऐसे स्लाइस, ये कटिंग रखनी है। कढ़ाई की कटिंग यही होती है ऐसे, और इसमें प्याज नहीं डालेंगे हम, क्योंकि चिकन कढ़ाई जो रेस्टोरेंट स्टाइल है ना उसके अंदर प्याज नहीं डालता, उसमें ये टमाटर डालते हैं प्याज की जगह पे जो है, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालने पड़ेंगे। ये आपके सामने पहले कटिंग लेते हैं, ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टमाटर को इसी तरह काट लिया, जैसी चीज़ है वैसी उसी कटिंग होनी चाहिए। हम देखिए टमाटर का स्लाइस माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, और ये कढ़ाई माशाल्लाह का टमाटर कितने खूबसूरत कटिंग में लग रहे हैं, स्लाइस बहुत प्यारे प्यारे, तो कढ़ाई भी हमारी बहुत मज़े की उसी तरीके से बनेगी, ठीक हो गया। इस तरह आपने टमाटरों को काट देना। अगर आपने कम ग्रेवी वाला बनाना चाहते तो फिर टमाटरों की आप कमी कर लें, ठीक हो गया। ज़्यादा से डालने का मतलब ये होता है कि उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, ये है। ये ना हो बहुत ज़्यादा मकदार में टमाटर ना हो, बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये
खटियास और कड़वी सी बन जाएगी, ठीक हो गया। हमने इसके बाद हमने कढ़ाई को ऊपर रख लेना है, ये भी काट दें, एक कटिंग रख लेना हमने, ठीक है। टमाटर हम हे लेते हैं और हो गया, इसको भी ऐसे काटते जाएंगे। ये काट दे इसका हमने, ये देखते हैं। अब ये हमारे पास जो टमाटर के स्लाइस हो गए हैं, अब हम इसको डालते हैं इसी प्लेट में, ठीक हो गया। इसको प्लेट में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं जी, अब हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हमने ये ऑयल डाल देना, ऑयल हमारा दूसरा जो काम इसमें है, हमने इसमें इस चिकन को डालना है, ठीक हो गया। ये हमने चिकन डालना है, ठीक हो गया। अब हम चिकन को डालना है ऐसे, ठीक है। ब्राउन करना था तो चिकन के डालनी पड़ेंगी इसमें। अभी इसमें हमें ये जो है गार्लिक, गार्लिक गार्लिक में डालना होगा ये साल्ट, मतलब हमने इसको वन एंड हाफ डालेंगे, ठीक है। ज़्यादा तेज नहीं डालेंगे, फिर इसको कड़वा हो जाएगा। हम हमें इसकी बनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। हम इसको हम ऐसे हटाते जाएंगे, टमाटर प्याज थोड़ी हमने स्लो कर देंगे, ये चले जाएंगे इसके अंदर टमाटर, टमाटर मतलब ऐसे बचा रहे हैं। ये चला जाएगा इसमें पानी, वाटर, वाटर में अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जिंजर। जिंजर के साथ हमने ये जो हमारे पास मिक्स स्पाइस पड़े हैं, ये हमने अब डाल देंगे इसके अंदर, ये वाले हैं ऐसे। अब हमें करना है पानी हमारा जो है ना, हम हमें थोड़ा पानी इसमें और डालेंगे। पानी को हमने इस स्पाइस को लगाने के लिए हमने इस प्लेट में पानी थोड़ा डालेंगे, तो ये पानी इसमें चला गया, ठीक हो गया। ये पानी आ गया, हमारे मसाले आ गए, ये इसी तरह रहेंगे, ठीक है। इनको ऐसे ही रहने देना पड़ेगा। अब हमने आँच भी स्लो कर देनी है और इसका ये भी कर देना है, ठीक है। अब हमने इसका ढक्कन जो है ना, इसको ढकाम देना हमने, ये 8 मिनट के लिए, 8 मिनट बाद ही हम इसको उठाएंगे। अब हमने इसके ऊपर ये
शीशे का ये जो है ना ढक्कन, ये हमने इसे कवर कर दिया, ये कवर हो गया। तो इसको फिर हम ये हमारी आँच भी हमने इसके नीचे स्लो कर दिया है। देखें जी, अब हमारा ये कढ़ाई हमें तैयार हुई महसूस हो रही है कि जैसे ये हो गया, अब हम इसका ये ढकना उठाते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जो ये प्याज टमाटर जो है बिल्कुल गर्म हो गया है। जैसे प्याज इसमें डालते हैं और फिर उसको पहले बनाई करते हैं, हमें चीनी करनी पड़ी थी, स्टीम के अंदर हो गया था। अब आपने करना क्या, इसको इसकी आँच हम तेज़ कर देंगे, चूल्हे की तेज़ आँच में इसकी बनाई करेंगे। अभी ये पानी खुशक हो जाएगा, ठीक है। ओके, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। देखिए ग्रेवी कितनी प्यारी बन गई है, बुक कितनी प्यारी बन गई है। अब हमने साथ ही इसके क्या करना है कि हमने एक चीज़ ये रखी हुई जो बचा कर, ये दही, ये इसमें डाल देनी है, ठीक हो गया। दही इसमें डाल दीजिए, अब इसकी बनाई इसी तरह ये होती है। खूबसूरत रंगत भी हो गई है, ग्रेवी माशाल्लाह बहुत प्यारी बन गई है, देखकर भी दिल खुश हो रहा है। क्या बात है माशाल्लाह। अब हमने इसमें थोड़ा इस टाइम पे आके हमने इसमें ये डाल देना धनिया, ठीक है, और एक दो पीस हम जिंजर के इसमें और डालेंगे ऊपर, इसकी खूबसूरती भी लग जाता है ऐसे। अब हमने इसको इसमें बोल में निकाल लेना है ऐसे, इसमें ये देखें ग्रेवी कितनी खूबसूरत बनी है माशाल्लाह, ग्रेवी ही ग्रेवी नज़र आ रही है। ये देखें इसकी गार्निश करनी है इससे, ये जो हमने काट कर रखे हुए पत्ते जिसको सेंटर में ऐसे ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। ये इतने से पत्ते, अब इसके ऊपर इतना सा अपने अदरक जो है वो डाल देना है ऐसे। ये अब ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत बन गई है, पता चलता है कि ये सालन। ये देखें बॉल भी हमने रखा है, इसकी कितनी प्यारी खूबसूरत शक्ल लग रही है माशाल्लाह, पता लगता है ना कि ये चिकन कढ़ाई बनी हुई है, खूबसूरत लग रही है ऐसे, ठीक हो गया। आपने भी घर में इसको इसी तरह आप लोगों ने ट्राई करना है और ऐसे ही इसकी गार्निश करनी है। रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो यही चीज़ है, यही लुक है, यही खूबसूरती है इसकी, ठीक हो गया। और आप लोगों ने अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट करके बताइए और आप घर में ट्राई करें, ठीक है। तो क्या जैसी बनेगी जैसा टेस्ट आएगा बताना, नमक और लहसुन के साथ आप लोगों ने चिकन को ब्राउन करना है। अगर माना चैनल पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।